हेलो गाइस, कल बाय का पेपर है इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअल में नहीं बनाना चाहता हूँ क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है, लेकिन क्या करें, 5 मिनट आपको देना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मुझे कमेंट्स आ रहे हैं। कमेंट्स में बताया जा रहा है कि सर मेरी अभी तक कुछ भी पढ़े नहीं हुई, मैं क्या करूँ, मुझे तो फेल होने का डर है, मेरी तबीयत बराबर नहीं है, जो भी उनके पर्सनल भी प्रॉब्लम्स है बहुत सारे स्टूडेंट को। तो स्टूडेंट डरो मत, आज की लास्ट नाइट है, लास्ट नाइट में भी हम पास हो सकते हैं और अच्छे नंबर्स भी ला सकते हैं जिन स्टूडेंट की अच्छी पढ़े। सबसे पहले बताना चाहता हूँ जिनके 90+ नंबर आने वाले हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, अभी सब अगर पढ़ाई हुई 19 चैप्टर की तो आप पढ़ाई करना स्टॉप करें, ओनली रिवीजन के ऊपर फोकस देना है। मतलब कोई बुक्स लेना है, बुक्स में देखना है कि ये चैप्टर है सर, ये चैप्टर में क्या करना है, तो ये चैप्टर में कौन कौन से कंटेंट है, क्या है, जैसे कि ह्यूमनाइज, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमनाइज, ह्यूमन ईयर्स, जो भी है हार्ड का स्ट्रक्चर, ये वो जो भी है, आप क्या अच्छी तरह से पढ़ाई कर लो। मतलब अच्छी तरह से रिवाइजन देना है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट खाली पढ़ते बैठते मुझे क्या आता है इसकी फीलिंग ही नहीं लाते। तो चाहता हूं कि ये फीलिंग आना बहुत चाहिए कि मुझे इतने चैप्टर हुए हैं और ये अच्छी तरह से हुए हैं, इससे हमारा कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ता है स्टूडेंट। ये बात ध्यान में रखना, सबसे मेन बात ध्यान में रखना है कि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है इसलिए आपको ये पढ़ाई करना है, मतलब पढ़ना बंद करना है, मुझे क्या आता है और क्या नहीं आता, जो नहीं आता उसके ऊपर फोकस करो, बात समझ लो, जो नहीं आता उसके ऊपर फोकस करो, आई रिपीट, जो नहीं आता उसके ऊपर फोकस करो, जो आता है उसको छोड़ दो। मतलब चैप्टर में हर 19 चैप्टर आपको 19 चैप्टर करना है तो आपको 15-20 मिनट में एक चैप्टर होना चाहिए। अभी भी देखो 8 बज रहे, टाइम 8 हुआ है, रात के 8 बजे, 8 से 12 तक मॉर्निंग उठ के भी हम लोग 4 घंटे या 3.5-3 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट की मीडियम पढ़े हुए 15 चैप्टर हुए उन्होंने भी वही फंडा इस्तेमाल करना है, डायग्राम के ऊपर फोकस करो, लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करो, लॉन्ग क्वेश्चन से छोटे छोटे भी क्वेश्चंस बना सकते हैं आप लोग, रही ये बात। और इसके अलावा भी और एक बात है, जिन स्टूडेंट को फेल होने का डर है वो भी पास हो सकते हैं। देखो अभी भी 2 चैप्टर के ऊपर आप लोग पढ़ सकते हो और मॉर्निंग में 2 चैप्टर पढ़ सकते हो, मतलब 4, अगर 4-4 मार्किंग भी तो 15 मार्क का पेपर लिख सकते हैं, 15 से हमको ज्यादा ज्यादा 10 भी मार्क मिल गए तो भी पास हो सकते हैं स्टूडेंट। तो अभी भी फोकस कर सकते हैं, हिम्मत मत हारो, सबके पास पोटेंशियल, इस पोटेंशियल को जान लो कि मैं ये कर सकता हूँ, 100% कर सकता हूँ और मेरे अंदर वो पोटेंशियल है, ये हिम्मत से आपको काम करना है, बस बाकी कुछ नहीं है। पेपर के लिए इतना ही बात ध्यान में रखना है कि मेरे अंदर पोटेंशियल, मैं कर सकता हूँ। अब बहुत सारे स्टूडेंट के फोन आए सर मेरे तो 10 ही चैप्टर हुए, तो भी आप और भी 4-5 चैप्टर पढ़ सकते हो। अब रही बात, सर हमने तो एक बार पढ़ा है, हमको कुछ भी याद नहीं आ रहा है, नहीं स्टूडेंट, एग्जाम के टाइम पे हम अच्छी तरह से फोकस कर सकते हो क्योंकि एक प्रेशर होता है हर किसी स्टूडेंट के ऊपर, तो इसके कारण हम अगर मन लगा के पढ़ते हैं तो पूरा की पूरा याद आएगा आपको मैक्सिमम तो। और दूसरी बात, आपको बॉटनी और जू दोनों मिला को 70 मार्क का पेपर है, तो 70 के 70 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करना ही है आपको, 100% करना है। आप बोलेंगे क्यों सर, क्या हो जाता है स्टूडेंट, हर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से 1.5-2 मार्क हर क्वेश्चन, मतलब 5 मार्क का है तो कम से कम 1.5 मार्क, 1.5 के 2 हो जाते हैं सेक्शन वाइज ABCD, तो इसलिए फोकस करो इस चीज पे, मैं जब बात बोल रहा हूँ ना इसके ऊपर फोकस करो बस। मतलब जिन स्टूडेंट की 15 चैप्टर हुए तो उनका रिविजन हुआ है तो 4-5 चैप्टर के ऊपर ओनली एक बार देख लेना है कि इसमें क्या कंटेंट है, कौन से इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि आपको सबसे पहले अभी देखना है कितने चैप्टर बाकी है, वो चैप्टर एक बार रिवीजन कर लो, पहले सबसे पहले जो चैप्टर बाकी है उनके ऊपर एक बार देखने की कोशिश करो, नहीं हुए तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि अपने को पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। और मैं आजकल क्वेश्चंस नहीं है, पहले साल में और मैं कोई चैप्टर हम लोग छोड़ सकते थे, अभी वैसे नहीं, हर चैप्टर को जितना वेटेज है उतना ही क्वेश्चंस आने वाले है, जितना वेटेज है उतने मार्क्स के क्वेश्चंस और चैप्टर से आने वाले, उसको कोई ऑप्शन नहीं है। तो होप करता हूँ स्टूडेंट कि ये सभी का सभी जो मैसेज है मेरा कन्वे करे, अच्छी तरह से आपको हेल्प करना चाहिए और इसलिए वीडियो बनाया था। मेरे 5 मिनट मैंने आपको खा लिए मुझे पता है, लेकिन मैं जिन स्टूडेंट के लिए मोटिवेशन होना चाहिए उनके लिए मैंने ये लेक्चर बनाया था। तो खुद को एक बार और एक बार बताता हूँ कि खुद के ऊपर भरोसा करो, खुद को बोलो कि मैं इतने मार्क्स ले ही सकता हूँ, और जिन स्टूडेंट की अच्छी पढ़ाई उनको रिविजन करना है बस देख लेना, यूं अभी भी देखना है, अभी 4 घंटे बाकी है पढ़ने के लिए, और
मॉर्निंग में भी 3 घंटे से रिवीजन, मतलब 2 टाइम रिवीजन हो सकता है उनकी, जिनकी बहुत ही अच्छी टॉप लेवल पे पढ़े हुए, जिनकी मीडियम है उनको देखना है चैप्टर कंटेंट, देखो देखो जो नीट जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हो उनके लिए तो कुछ कुछ कंटेंट तो पता ही होते हैं। तो बेस्ट लक बच्चों, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और कल भी मॉर्निंग के लिए अभी से मेरे तरफ से बेस्ट लक। चलो थैंक यू।